स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ वी रेड द पोएम. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पोएम टू यू. क्रेडल सॉन्ग. व्हाट इज क्रेडल? अ क्रेडल मींस अ पालना. जो छोटे बच्चों जिसमें लेटते हैं उसको हम कहते हैं पालना ना. तो ये वही सॉन्ग है जो छोटे बच्चे अपने मम्मा से कह रहे हैं. सुनिए आप. व्हाट डज लिटिल बर्डी से? एक छोटी सी चिड़िया अपनी मम्मा से क्या कह रही है? इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे. सुबह सुबह अपने घोंसले से. लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी. मदर लेट मी फ्लाई अवे. वो अपनी मम्मा से कह रही है कि मम्मा प्लीज मुझे उड़ने दीजिए. बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर. उसकी मम्मा उससे कहती है बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आप उड़ नहीं सकते, इसलिए आप थोड़ा और आराम कीजिए. टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. जब आपके विंग्स बहुत मजबूत हो जाएंगे उड़ने के लिए तब आप उड़िएगा. सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर देन शी फ्लाइज अवे. तो वो एक बर्डी अपनी मम्मा का कहना मानती है और वो आराम करती है अपने नेस्ट में. फिर जब उसके विंग्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं फिर वो अपने नेस्ट से उड़ जाती है. नाउ लेट्स मूव अहेड. व्हाट डज लिटिल बेबी से? फिर एक छोटा सा बेबी अपने क्रेडल से, अपने पालने से, अपने मम्मा से क्या बोलता है? इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. सुबह सुबह अपने बेड से. बेबी सेज लिटिल लाइक लिटिल बर्डी. बेबी बोलता है चिड़िया के बच्चे की तरह लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. मतलब कि मैं भी उठूं, मुझे भी चलने दो और मुझे भी आगे बढ़ने दो. बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर. उसकी मम्मा उसे कहती है बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप सो जाओ. टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर. जब आपके हाथ पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे. इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू शैल फ्लाई अवे. और जब आप मजबूत हो जाओगे हाथ पैर तो आप भी स्कूल जाने लग जाओगे और पढ़ने लिखने लग जाओगे.